नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष मोडल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे ही होंगे, अच्छे से सब करिए ऐसा लोग हमेशा की तरह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो कि गजल में या आप जो श्लोक कहरवा जो बजाते हैं उसके बीच में जो पैटर्न यूज होता है ज़्यादातर, वो पैटर्न मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे कि पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको थोड़ा बजा के दिखा दूंगा जिससे कि आप समझ जाएँ कि कहाँ पर इस पैटर्न का यूज होना है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसके बोल बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नंबर आप साइड में देख सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, और या तो फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी प्रोसीजर है मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। बाकी अगर आप यूट्यूब से ही सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, बिगनर हैं अभी, तो पहले बेसिक लेसन देखें। यहाँ पर बेसिक की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप देखेंगे तो पहले बेसिक लेसन देखें सारे के सारे, उससे आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक बोल समझ में आ जाएंगे, प्रैक्टिस थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह की आप जब करने लग जाएंगे उसके बाद आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बोलों का पता होगा कि ढोलक या तबले पर बोल कैसे बजाए जाते हैं। उसके बाद आप कोई भी वीडियो देखते हैं आपको समझ में आ जाएगी, आप सीधे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बजा के थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को यूज कहाँ पर करना है इस पैटर्न का। तो जैसे कि आप सिंपल श्लोक कहरवा बजा रहे हैं, जैसे कि ठीक है, लय यहां चल रही है, ठीक है, तो यहां आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये जो पैटर्न है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बोल। धा ग धीन धा धीना, ठीक है, धा ग धा जो है स्लिप किया, धा यहां से ताब जाया साइड से चांटी पर, यहां से धा को स्लिप किया। उसके बाद जो हल्का सा ग लग रहा है, धा ग है ना लिखा हुआ, धा ग, तो ग पहली उंगली से मतलब इंडेक्स फिंगर से पीछे की तरफ, धा आगे स्लिप किया, ग पीछे, धा ग धीन, और धी जो है इससे आएगा फिर धा ग धी, ठीक है, यहां से चांटी पर आएगा अंदर और यहां से बेस पर सिंपल धा ग धीन, ठीक है, इसे धा ग धीन धा धा धीन धा ग धी न धा धी न। अब देखिए यहां पर बेस का बहुत ज्यादा काम है, यह आपको समझना पड़ेगा। पैटर्न बहुत ज्यादा थोड़ा हार्ड जरूर है, लेकिन अगर आप समझ गए तो आपको बहुत ज्यादा काम ही आएगा। सही तरीके से प्रैक्टिस किया तो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, और जहां पर प्रयोग करेंगे अलग ही आपके हाथ में एक अच्छी से मतलब निखार आपको खुद ही देखने को मिलेगा। संगत कहीं भी करेंगे तो सुनने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस सही तरीके से होनी चाहिए जैसे मैं बेस बता रहा हूँ, ठीक है, धा ग, ठीक है, इस तरीके से हल्का सा ग पहली उंगली से टच करना है, धा यहां से धा ग और धीरे धा ग धी ना, ना जो है यहां से धा ग धी, हमने यहां से बजाया धी ऐसे, और ना टा की तरह बजेगा ना यहां से धा ग धी न धा धीन धा ग धीन धा धीना, ठीक है। शुरू वाला पार्ट पहले इसको देख लें, धा ग धी न धा ग धीन ऐसे धा ग धी
न इतना होगा, फिर धा धा धीना, तो धा धा जंप होगा, धा धा दो बार धा 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 धा, फिर धी। उसके बाद जो धी आएगा वो यहाँ से ती ऐसे बजेगा और यहाँ से गे धी और लास्ट में ना धा ग धी न धा धा धी न धा ठीक है। नीचे वाली जो लाइन है वो तो आप आसानी से बजा सकते हैं, जैसे कि धा तीन तीन या तिट जो भी है ठीक है, धा तीन या धा तिट ठीक है, सेम बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धा तीन उसके बाद आएगा टाटा किट टाटा किट या फिर नाना किट नाना किट, जैसे बोल लिखे हुए हैं धा तीन टाटा किट टाटा किट ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आपने बजाना है ता ता ती त, फिर एक बार और ता ता ती त ठीक है, धा तीन तटकित तटकित ये धा तीट तटकित तटकित, ये तीट और तीन लगभग सेम आप बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको फिर से देख लें किस तरीके से बजाना है ठीक है, धा ग धी न, धा स्लिप किया ग उसके बाद धी न ठीक है, यह है फिर धा धा धी न ठीक है, धा धा धीना धा धीन धा गे धीन धा धीन धा ग धीन धा धा धीना धा ग धीन धा धा धीना, तो धा ग धी न धा धा धी न ठीक है, ये हो गया। उसके बाद धा ये जो ये वाला जो धा है ये भी स्लिप होगा, जो लास्ट में धा है धा तीन ये धा तिट, इसको तिट भी बोल सकते हैं या तीन भी ठीक है, धा तीन उसके बाद ताता किट ताता किट, ये कंटिन्यू बजेगा कैसे, धा धीन धागे धीना धा तिट ताता किट ताता किट धा धा ग धीन धा धा धीना धा तीन ताता किट ताता किट धा ग धीन धा धा धीना धा तीन ताता किट ताता किट धा ग धीन धा धा धीना धा जैसे बोल मैंने बताया आपको वैसे ही, जैसे ही बोल लिखे हुए हैं या मैंने बजा मैं जैसे बजा रहा हूँ वैसे ही आपको बताएं, जरूरत है आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करें जैसे मैंने बताया। एक बार फिर से बता रहा हूँ, धा आगे स्लिप किया ग पीछे, फिर उसके बाद धी यहाँ से ऐसे बजेगा ठीक है, फिर ना ऐसे बजेगा ठीक है धीन, उसके बाद फिर है धा धा, ये दोनों धा या बी साइड से जंप हो रहे हैं, यहाँ से सिंपल बज रहे हैं धा धा ठीक है। उसके बाद है धी ना, तो धी में हम थपकी से लेंगे धी ना, उसके बाद है धा, धा को थोड़ा सा यहाँ से स्लिप किया, उसके बाद है ती ट ये हो गया, उसके बाद है ता ता किट ता ता किट, इस तरीके से ये कंप्लीट बजा हुआ है ठीक है। जैसे कि ये कंप्लीट हो गया, यहां पर आप कोई भी तिहाई बजा सकते हैं जिसको भी आपने रियाज किया हुआ है, इसके बाद आप वो तिहाई बजा के और फिर वापस अपना ठेके पर आ सकते हैं, जैसे इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं गाने के बीच में, है ना। पूरा मैंने पूरा तरीके से आपको बता दिया कि यूज कैसे करना है, बोल भी बता दिए हैं, प्रैक्टिस रोल में करेंगे तो अच्छे से बजा सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें और साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें जिन्होंने नहीं की हुई है, इससे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक बार चेक कर लें कि बेल आइकन आपने प्रेस किया हुआ है या नहीं, जो घंटे का जो निशान है उसको प्रेस करके ऑल का ऑप्शन आएगा वहां पर सेलेक्ट कर दें। कमेंट करके जरूर बताएं आगे आपको कैसे लेसन चाहिए, अगर ढोलक तबला हारमोनियम कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, हो सकता है वहां पर आपके बजट के अनुसार आपको इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जो आपके डायरेक्ट घर पर पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट अमेज़न से आप
बाय कर सकते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।